हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से आप पायोनियर का अकाउंट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें pioneer.com पर आ जाना है, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जैसे हम गूगल पे आते हैं और यहाँ हम सर्च करेंगे पायोनियर और क्लिक करेंगे तो पहली वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ हमें क्लिक करना है इस पर और कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर हमें साइन इन पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अभी चलिए खुल गया है। अब यहाँ हमें साइन अप पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे हमें स्क्रॉल करेंगे। सॉरी, अभी लोड नहीं हुआ है। आ गया। तो अभी यहाँ हमें IMA पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें सेलेक्ट करना है ऑनलाइन सेलर। इसके बाद मंथली सैलरी हमें करना है बिलो 5000 मंथली। इसके बाद हमें रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इंडिविजुअल और कंपनी। तो आपके पास कंपनी, तो आप कंपनी पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इंडिविजुअल पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको लास्ट नेम डालना है। तो यहाँ लास्ट नेम में डाल देता हूँ। इसका दोस्तों आपको देना है यहाँ पर अपना मेल एड्रेस। तो यहाँ मैं अपना मेल एड्रेस डाल देता हूँ। इसका दोस्तों आपको फिर से यही ईमेल एक बार री एंटर करना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ हमें सेलेक्ट कर लेनी है हमारी। तो यहाँ मैं अपनी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे ये एड्रेस मांगेगा, तो एड्रेस आपको फिल आउट कर देना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस क्या ज़्यादा वर्ड्स में हो गए, 40 वर्ड हमें देना है। तो चलिए यहाँ तक हम डाल देते हैं। इसके बाद एड्रेस टू ओपन लाए, सिटी टाउन हमें भर देना है, जिप पोस्टल कोड हमें भर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए OTP, तो हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और OTP जनरेट करेंगे यहाँ से। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे सेंड कोड के बटन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमारे मोबाइल नंबर पर एक
कोड आ चुका है, इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मिस्टेक हो गया थोड़ा, ओटीपी पे दूसरा ओटीपी डालेंगे हम इसमें। तो ये हमारा आ गया है। इसके बाद हम सिंपली यहाँ ले नहीं रहा है, चाहिए तो कुछ प्रॉब्लम है। ये हमारे टाइप करके डालना है यहाँ पर। ये ब्लू लाइन में जो आता है इसके कारण तो समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हमने इसको कर दिया है। इसके बाद हम नंबर हमारा इसे भी फिर से यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो नीचे वाला नेक्स्ट का ऑप्शन खोलने को मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा जो कोड है हम डाल देंगे 25। मेरे ख्याल से कोड नहीं ले रहा है, तो अभी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। पच्चीस 13 78 ये कोड हमारा आया था, तो अभी हम फिर से देखते हैं। 25 13 78 ठीक है दोस्तों, हो गया है। अभी नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हमें पासवर्ड चूज करना है, तो पासवर्ड हम बना लेते हैं। पासवर्ड में हमें 7 करेक्टर का बनाना है, इंक्लूड एक लैटिन अल्फाबेट और एक न्यूमेरिक अक्षर होना चाहिए। तो ऐसा पासवर्ड हम बना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया हूँ, फिर से मैं रीएंटर करूँगा। हाँ आ रहा हूँ, चाय बन गई मेरी अभी, मैं थोड़ी देर, चलो मैं आपको पूरा बता देता हूँ, फिर पीऊँगा, जाना है तुम्हें। सिक्योरिटी क्वेश्चन हमें चूज कर लेना है। इन विच सिटी डिड यू गेट मैरिड, आपको जो भी क्वेश्चन अच्छा पसंद में आता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ हाई स्कूल का अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ अटेंड पे क्लिक कर दूंगा। हमारा आंसर आपको वही देना है जो आपको याद रहे। तो मैं यहाँ पर अपना सिंपल अपना ही नाम दे देता हूँ, क्योंकि बाद में जब प्रॉब्लम आती है तो हम जब भूल जाते हैं तो बड़ा समस्या होता है। तो अभी चलिए मैं इसमें अपना नाम देता हूँ, आप भी ऐसा कुछ आंसर दे दीजिएगा। अभी यहाँ वक्त आ गया हमारा पैन नंबर डालने का, तो पैन आईडी हमें डाल देनी है। चलिए मैं डाल देता हूँ। इसका नेम पेन पर जो हमारा नेम है पेन कार्ड पर, वही हमें नाम इसमें डालना है। दोस्तों जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो फॉर्म में पर प्रॉब्लम होती है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। एक बार और स्पेलिंग मिला लेता हूँ। ओके दोस्तों यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, हमें जो नीचे एंटर कोड करके दिया जा रहा है, नीचे कोड उसे हमें एंटर करना है यहाँ पर। यहाँ मैं कोड एंटर कर देता हूँ।
अब कोड एंटर करने होगा, कोड एंटर करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों चौथी स्टेप हमें मिलेगी, ऑलमोस्ट डन स्टेप नंबर 4। तो यहाँ पर हमें बैंक का नाम डाल देना है और पैन नंबर ये डालना है हमें सब। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर करेंसी हमारी INR में रहेगी, बैंक हमारी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मेरी पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसके बाद हमारा अकाउंट नंबर हम डालेंगे इसमें, तो दोस्तों यहाँ अकाउंट नंबर और IFSC कोड हमने अपडेट कर दिया है। इसके बाद नीचे हम फिर से हमारा पैन नंबर डालेंगे। तो यहाँ दोस्तों पैन नंबर डालने के बाद हमें अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। हमारा सेविंग का अकाउंट है तो सेविंग पर क्लिक करेंगे, यदि आपका करेंट होगा तो करेंट पर क्लिक कीजिए, नहीं तो सेविंग पर क्लिक कीजिए। इसके बाद एग्री टर्म्स एंड कंडीशन में हम क्लिक करते हैं, यदि आपको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आई एग्री टू प्राइस एंड फीस पर हम क्लिक करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारा प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें मैसेज मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर पायनियर अकाउंट एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड इज नाउ बीइंग टू रिव्यूड। तो दोस्तों ये रिव्यू के लिए चली गई है। इसके बाद दोस्तों आपका जो सबमिट हो गया, इसके बाद क्या होगा, आपको एक ईमेल हमें मिल जाएगा कन्फर्मेशन का, और इसके लिए कुछ 2-3 दिन आपको लग जाएंगे रिव्यू होने में। इसके बाद आपको मेल आएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद में आएगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।